एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के छात्र इन दिनों छत्तीसगढ़ भ्रमण पर हैं। ये छात्र छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और खान पान आदि से परिचित हो रहे हैं। छात्रों का ये दल भिलाई स्थित लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय पहुंचा, जहाँ प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर अब तक उपयोग होने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी ली। सुप्रसिद्ध वाद्य कलाकार रिकी क्षत्रिय ने इन बच्चों को छत्तीसगढ़ में विभिन्न मौके पर बजाए जाने वाले मांदर, कुहकी, तुरही जैसे अनेकों दुर्लभ वाद्य यंत्रों की जानकारी दी और इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए। छात्रों ने बताया कि यहां आकर उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला, जो कि उनके लिए अद्भुत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आए हमने यहाँ छत्तीसगढ़ के लोक वाद्यों के बारे में जाना। यहाँ पे हमें अच्छी जानकारी मिली, यहाँ पे हमें खूब मज़ा आया और अच्छा कुछ नया जान के हमें खूब अच्छा लगा। यहाँ मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी देखी, फिर मैंने राजीव लोचन मंदिर देखा, चंपारण्या में वल्लभाचार्य का मंदिर देखा, नेहरू आर्ट गैलरी देखा, बहुत सारे हमने स्पॉट्स देखे और छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में एक डिटेल में हमने पढ़ा। ऐसी चीज़ें अगर हम अकेले आते, घूमने आते तो शायद नहीं देख पाते, जितना ये एक्सचेंज प्रोग्राम में हमने अच्छे से सीखा। वहीं गुजरात समग्र शिक्षा अधिकारी भरत सिंह वाघेला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है। एनालिसिस करते हैं बच्चों का, तो सबने हमने देखा कि उनको तो ऐसा छत्तीसगढ़ गुजरात अलग ऐसा दिखता नहीं, सब भारतीय है, सब इंडियन है, ऐसा हम बिहेवियर में देखा कि सब बहुत खुश है। यहाँ का खान पान, यहाँ का रीति रिवाज, और ये मैं कहना चाहूँगा कि 2015 से माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी भारतीयों को एक करने के लिए, ये सरदार पटेल का 140वां जन्म जयंती था, तब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक एक बहुत सी अच्छी सी पहल शुरू की, और इस पहल की तरह ये हमारा पहला दल यहाँ आया है। छत्तीसगढ़ का भी वहाँ गुजरात में दल आ चुका है। गौरतलब है कि 14 अगस्त से ये विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में हैं। इस दल में गुजरात के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के 50 छात्र छात्राएं शामिल हैं।